नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने ही सब्सक्राइबर के हैंड के बारे में, जिनकी उम्र है 20 साल और उन्होंने पूछा है कि अगर ये बिजनेस करते हैं तो कैसा रहेगा। तो आइए समझते हैं इनके हाथ को। देखिए, सबसे पहले मैंने इनके हाथ में एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी, वो है स्टार। देखिए, यहाँ पर इस जगह स्टार आप देख सकते होंगे। मैं आपको और दिखा देती हूँ गहराई से। ये देखिए, इस टाइप से एक स्टार बन रहा है जो कि बहुत शुभ माना जाता है हाथों में। और ऐसे जब किसी के हाथ में स्टार होता है तो वो जिस भी प्रोफेशन में जाते हैं, जो भी काम करते हैं, उसमें उनको बहुत नेम फेम मिलता है। तो इनके समझ हाथ में देखते हैं कि और क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, इनके हाथ में अगर उंगली की तरफ जाएं तो उंगली पतली है और बीच में थोड़ा थोड़ा गैप्स भी है। देखिए, कुछ इस तरह से गैप्स भी बन रहा है उंगलियों में। ऐसे लोग ये समझना चाहिए कि लोग दूसरों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अगर किसी ने आके इनसे मदद मांगी तो फौरन मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, ज़रा भी नहीं सोचते हैं कि मुझे उनकी मदद करनी चाहिए या मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ऐसी बातें नहीं सोचते हैं और सीधा उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और अगर हम इनके हाथ में आगे चलें तो हमें देखने को मिलेगा, ये देखिए इस तरह से इनके हाथ में उंगलियों में हमने देखा कि गैप्स हैं। और अगर हम अंगूठे की तरफ चलें तो अंगूठा काफ़ी लचीला है इनका। लचीला मतलब फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है इनके अंगूठे में। ये देखिए इस तरह से कुछ इस तरह से शेप ले रहा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी तरह से उनको मोल्ड करो, कुछ भी उनको कहो कि अगर ये काम इस तरह से नहीं, ऐसे कर लीजिए, तो वो फौरन बात मान लेते हैं। या उनसे कहा जाए कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, दूसरे तरीका ज़्यादा अच्छा है, तो वो बात मान लेते हैं। वो ये कहना चाहिए फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। तो ये चीज़ है। अब इनके बात करते हैं इनके पर्वतों के बारे में। उससे पहले हम देखेंगे इनकी उंगली में। ये देखिए, अगर हम इनकी उंगली की तरफ चलें तो यहाँ पर ये दोनों उंगली का अगर हम देखें मैचिंग बिठाएं, ये देखिए इस तरह से, तो इनकी जो सन की उंगली है, इनकी ये लंबी जा रही है और गुरु की उंगली छोटी है। तो इसका मतलब ये इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ कम है, लेकिन इन ये जैसे कि हमने देखा कि इनके हाथ में स्टार भी है और ये उंगली भी जो सूर्य की उंगली है ये लंबी है, अच्छी खासी लंबी है, लेंथ लिए हुए। तो ऐसी लोग जो होते हैं नेम फेम मिलता है, अपने फ्रेंड सर्कल में लोग इनको काफ़ी मानते हैं। तो ये सब क्वालिटीज़ ऐसे लोगों में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इनके माउंट्स के बारे में। देखिए, गुरु पर्वत इनका उठा हुआ है मीडियम। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि नॉलेज तो अच्छी होती ही है, साथ में साथ अगर हम चले नेक्स्ट पर्वत पर, इनके शनि पर्वत के ऊपर, तो शनि पर्वत जो है उस पर कोई खास रेखाएं नहीं है। इसका मतलब इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, ओल्ड एज में कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बीतेगी। और इसको तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं सूर्य पर्वत को, कि स्टार है तो इसके कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जब किसी के हाथ में स्टार होता है तो वो हाथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देता है। ऐसे जो साइंस होते हैं, स्टार का साइन है, स्ट्रेंथ दे देता है। हाथ में रेखाएं कितनी कमज़ोर हों चाहे हल्की हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टार अपना काम पूरा करता है और अच्छे से अच्छा फल देता है। अब बात करते हैं इनकी बुध पर्वत की। बुध पर्वत अच्छा स्पेशियस है, बुध पर्वत और उभरा हुआ है। ऐसे लोगों को मोबाइल्स का, बाइक्स का, ये कहना चाहिए जो टेक्नोलॉजी की चीज़ें होती हैं, उनका बहुत शौक होता है, ये कंप्यूटर्स का, मोबाइल्स का। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग ये कहना चाहिए कम्युनिकेशन के भी बहुत अच्छे होते हैं, बोलने चालने में बहुत अच्छे होते हैं, प्यार से बात करना करने वाले लोग होते हैं। अब अगर हम इनके मंगल के माउंट की तरफ देखें, काफ़ी उभरा हुआ है। इन्होंने पूछा है कि इनको गुस्सा बहुत आता है, क्यों आता है, जबकि इनका ये वाला मंगल जो है वो उभरा हुआ नहीं है, लेकिन ये मंगल इनका उभरा हुआ है जो कि काफ़ी गुस्सा दिलाता है इनको। और ऐसे लोग जो होते हैं वो झूठ बर्दाश्त नहीं कर पाते,
उनको ये लगता है कि जरा किसी ने झूठ बोला या कोई गलत काम करते हुए किसी को देखते हैं तो उनको बहुत जोर का गुस्सा आता है। और ऐसे लोगों के लिए यही राय है कि दुनिया है वो कुछ भी करती रहेगी, आपको अपने लेकिन गुस्से पे काबू रखना चाहिए। अब बात करते हैं इनके चंद्र पर्वत की। अगर हम इनके चंद्र पर्वत को देखें तो काफी अच्छा उभरा हुआ है चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत को देखें तो ये काफी अच्छा उभरा हुआ है। तो ये देखिए चंद्र पर्वत अच्छा खासा उभरा हुआ है, तो ऐसे लोग यात्राएं भी करेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें इनका जो ये शुक्र पर्वत है, शुक्र पर्वत बहुत अच्छा उभरा हुआ है। देखिए शुक्र पर्वत जब अच्छा उभरा हुआ होता है तो ऐसे लोग अपने ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं, सेल्फ सेंटर्ड भी होते हैं। और इनके हाथ में अगर हम देखें छोटी छोटी रेखाएं हैं, तो ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं, ये देखिए यहाँ पर भी इधर की तरफ भी ऐसी छोटी छोटी रेखाएं हैं, मित्र होते हैं, तो वो काफी कहना चाहिए सर्कल इनका काफी अच्छा होता है। और अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पे ऐसी लंबी लाइंस जा रही हैं, तो इनके लाइफ में लोगों का सपोर्ट भी बहुत है। और एक इनके हाथ में अगर हम देखें यहाँ पे जो, अगर इनके थंब की ओर चलें तो थंब इनका, ये देखिए इनमें विल पावर बहुत अच्छी है। विल पावर का मीनिंग होता है कि इच्छा शक्ति, किसी काम को करने की जो मन होता है, इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स होती हैं, वो बहुत स्ट्रांग होती है कि हाँ मुझे ये काम करना ही है। और साथ ही साथ अगर हम देखें, अगर हम बात करें और भी रेखाओं की, अगर हम बात करें लॉजिक पावर की, लॉजिक पावर होती है जिसमें लॉजिक पावर इनकी विल पावर ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर हम देखें लॉजिक पावर के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो विल पावर ज़्यादा स्ट्रांग है। लॉजिक पावर का मीनिंग होता है किसी काम को करने से पहले उसके बारे में सोचना कि वो काम करने से हमको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ये सब कैलकुलेशन लगाना, ये लॉजिकल पावर्स होती हैं। तो अगर हम देखें तो ये इनके हाथ में विल पावर ज़्यादा स्ट्रांग है। और भी चीज़ों की अगर हम तरफ ध्यान दें, अब इनकी रेखाओं की तरफ बढ़ते हैं हम, अगर हम इनके हाथ में रेखाओं की तरफ बढ़ते हैं तो ये देखिए यहाँ पर देखिए आयु रेखा बिल्कुल साफ चली आ रही है। इसका मतलब इनको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है और आगे भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से बिना किसी हेल्थ इशू के इनकी लाइफ चलेगी। ऐसे ही इनकी मस्तिष्क रेखा देखें, लंबी सीधी और साफ मस्तिष्क रेखा है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करते हैं और ये काफ़ी जैसे कहना चाहिए सीधे विचारों के, शांत विचारों के इंसान होते हैं, ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं लगाते ये लोग। अगर हम इनके हाथ में और चीज़ों की तरफ देखें, हार्ट लाइन की तरफ अगर आते हैं, अगर हम इनके हाथ में हार्ट लाइन की तरफ आएं तो हम देखते हैं कि थोड़ी सी हार्ट लाइन ये डिस्टर्ब आती है, ये इस तरह से थोड़ी जंजीर नुमा टाइप की सी आ रही है। तो ये बताते हैं कि ऐसे लोग थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, किसी का दुख देख नहीं पाते, कोई गलत चीज़ देख लेते हैं तो उनको गुस्सा आने लगता है। तो ये चीज़ है, बाकी हार्ट लाइन भी इनकी बहुत अच्छी है। अगर हम इनके हाथ में एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि अगर हम ये देखिए इनके फिंगर्स, फिंगर्स के ऊपर ऐसे खड़ी रेखाएं हैं, ये देखिए ध्यान से देखिए ऐसे काफ़ी खड़ी रेखाएं हैं। ऐसे खड़ी रेखाएं जब किसी के हाथ में होती हैं तो वो शुभ मानी जाती हैं पैसे के टर्म्स में। ये देखिए इस तरह से खड़ी रेखाएं जब होती हैं तो ये देखिए काफ़ी खड़ी रेखाएं हैं, तो पैसे के टर्म्स में बहुत शुभ मानी जाती हैं। ऐसे लोग लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं और ऐसे लोगों को रुपए पैसे की कभी कमी नहीं रहती। और अगर हम इनके हाथ में देखें, यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। ऐसे लोग जब छोटा सा ट्रायंगल बनता है तो इनको इनहेरिटेड, ये मानना चाहिए कि इनहेरिटेंस के भी इनको चांसेस होते हैं कि कोई प्रॉपर्टी इनको इनहेरिट करेंगे, किसी की प्रॉपर्टी मिलना या अपने पेरेंटल प्रॉपर्टी का अच्छा हिस्सा इनको मिलता है। और अगर हम इनके हाथ में देखें, जैसे अगर हम इनकी विवाह रेखा की ओर देखें तो हमें दिखाई देता है कि ये देखिए यहाँ पर अभी इनकी आयु है 20 साल। और अगर हम इनकी विवाह रेखा के बारे में बात करें, इधर है तो इस विवाह में अभी टाइम है तो इनके लिए, और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा एक फोक आ रहा है
ऐसे में समझना चाहिए कि कभी कभी इंसान की शुरू में अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, थोड़ी परेशानियां रहती हैं, लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता है तो चीज़ें लाइन पे आ जाती हैं। देखिए दोनों लाइन मिल रही हैं, शुरू में डिफरेंसेस हैं, बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये था हमारे एक सब्सक्राइबर के हैंड का एनालाइजेशन। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन, जिससे आपको मेरे वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। धन्यवाद।